खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से। एटा के भागीपुर में डॉक्टर के घर पर छापा मारा गया है। अवैध अल्ट्रासाउंड मशीन से भ्रूण लिंग परीक्षण करते रंगे हाथों पकड़ा गया है। अल्ट्रासाउंड मशीन संचालक सोनू और एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक मुख्य आरोपी डॉक्टर वीरेश मौके से फरार है। अल्ट्रासाउंड मशीन संचालक सोनू से भ्रूण लिंग परीक्षण की जांच के 20,000 रुपए नकदी भी पकड़े गए हैं। घर में अवैध रूप से भ्रूण लिंग परीक्षण करने के लिए एक जांच के नाम पर 20,000 से ज्यादा रुपए लेकर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जांच की जा रही थी। गिरफ्तार किए गए महिला समेत तीनों लोग डॉक्टर वीरेश के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। ऐसा है कि गुड़गांव सीएमओ सर के यहाँ जानकारी मिली थी कि कोई एक दलाल है जो एक्टिव है जी भ्रूण लिंग जाँच कराने में, तो वहाँ से ही उन्होंने डुपाई के थ्रू उसको फॉलो किया था। सोनू सत्येंद्र नाम से ये जो दलाल था जिसको गुड़गांव से फॉलो करते हुए आए थे, और सुबह हमको सूचना प्राप्त हुई कि ऐसे से एक हमारे यहाँ मतलब इस तरह के भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए जांच की जानी है जी। तो डॉक्टर साहब डॉक्टर अनिल गुप्ता जो कि गुड़गांव PCPNDT नोटल है, तो उनसे मतलब मैंने संपर्क स्थापित करके एक संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया, जिसमें कि एक रूबी नाम की महिला जो कि अल्ट्रासाउंड संचालित कर रही थी, इलीगल मशीन पर अल्ट्रासाउंड संचालित कर रही थी जी। और उसका एक सहयोगी हमें वो जो संदर्भित मकान था वहाँ से मशीन सहित ये दोनों लोग लिंग भ्रूण जांच करते हुए पाए गए। सर कुछ राशि भी पकड़ी गई है नकदी? हाँ, जो कि डिकॉय को मतलब जो दलाल था डिकॉय वाले एपिसोड में हमने उनको 35,000 रुपये दिए थे, मतलब सर ने गुड़गांव से दिए थे, जिसमें से 20,500 रुपये प्राप्त हुए हैं जो कि सीरियल नंबर से मिलान कर दिया गया है और उनको सील किया जा रहा है। और भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है लगातार? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभियान मतलब निरंतर जारी है और चलता रहेगा, और डॉक्टर साहब के सहयोग से आगे भी हम डिकॉय ऑपरेशन करने के लिए। गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है इसमें? इसमें तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो कि एक दलाल है गुड़गांव का रहने वाला, और एक रूबी नाम की महिला है जो कि सुनहरी बगीपुर सुनहरी नगर में मतलब आवास पर ये संचालित करती थी, और उसका एक सहयोगी है। 28 तारीख में शाम को करीब 7 बजे डायल 100 से एक सूचना प्राप्त हुई थी 112 से कि उमरई गांव थाना वैदपुरा में एक लड़की फांसी से लटक गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी जनपद के समस्त वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए थे। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची थी, जब तक उस बच्ची की डेड बॉडी घर वालों ने उतार ली थी। बाद में उनके द्वारा गांव के एक युवक व उसके 2-3 साथियों पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई थी। उस तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। मामला संवेदनशील था क्योंकि एक बच्चे की हत्या से जुड़ा हुआ था। तत्काल उसका शव PN के लिए भेज दिया गया था। जब इसमें पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो जो तथ्य आए वो FIR के विपरीत आए। इसमें इस घटना पूरे जघन्य घटना को कारित करने में जो मृतका लड़की थी उसकी माँ का हाथ पाया गया है, जो उसके द्वारा बताया गया है। 28 तारीख में मृतका की माँ और बहन और परिवार के अन्य सदस्य सभी किसी ना किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसकी माँ और बहन डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने गए हुए थे। जब ये वापस आई 4:30 बजे के करीब, तो इसके द्वारा बताया गया कि इस जो मृतका है वो अपने सिर में सिंदूर लगा रही थी, जिसको लेकर माँ बेटी के बीच में हॉटडॉक हुई और हाथापाई भी हुई। उसी हाथापाई में लड़की ने अपनी माँ के साथ भी अभद्र व्यवहार किया, तो इसने उसे गिरा दिया तखत पे और इसका गला दबा दिया। जब इसे यह एहसास हुआ कि वो लड़की हिल नहीं रही थी, तो इसके ऊपर पानी वानी डाला। बाद में एक प्रपंच रचा गया जिसे और लोगों को नामित करते हुए इसमें FIR कराई गई थी। क्राइम ब्रांच और थाना अध्यक्ष वैदपुरा और सैफई की टीम ने CO सैफई के नेतृत्व में इस घटना का सही खुलासा किया है। सभी परिजनों के सामने मृतका की माँ ने अपने जो जुर्म किया उसे कबूल भी किया है, आज उसे जेल भेजा जाएगा। लड़की ने बताया था सिंदूर जो लगाई थी, क्या शादी भी करनी थी उस लड़के से, कुछ जानकारी था? नहीं, उसने ये कहा था कि एक गांव का ही लड़का है
उसके नाम का अनुसार मैं सिंदूर भर रही हूँ और उससे शादी करेंगे। कालांतर में बताया गया कि उसके साथ गांव का ही एक लड़का है, उससे इस लड़की के संबंध थे, ऐसा बताया गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।